आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। बिहार में पृथ्वी दिवस मनाया जा रहा है। डीएम अरविंद कुमार वर्मा के नेतृत्व में जिले में भी पौधारोपण कार्यक्रम बड़े पैमाने पर किए गए। सभी सरकारी कार्यालयों के अलावा कॉलेजों में भी पौधारोपण किया गया। इस क्रम में भी कृष्णा महिला महाविद्यालय में डीएम के नेतृत्व में बड़ी मात्रा में पौधारोपण किया गया। पृथ्वी दिवस पर जिले में 2.5 लाख पौधे लगाने थे, लेकिन 9 अगस्त तक यहां 4.5 लाख पौधे अब तक लगाए जा चुके हैं। डीएम ने आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि अपने घर और उसके आसपास जितना भी संभव हो सके पेड़ लगाएं। कहा, जिस तरह से आज पर्यावरण दूषित हो रहा है, उससे मानव जाति के लिए आने वाला समय बहुत कठिन होने वाला है। पर्यावरण की रक्षा से ही हम सब जीवन की रक्षा कर पाएंगे। पर्यावरण की रक्षा के लिए बड़े पैमाने पर पेड़ लगाने की जरूरत है। पेड़ से मनुष्य ऑक्सीजन प्राप्त करता है। पेड़ हमें जीवन की रक्षा करने वाली ऑक्सीजन प्रदान करता है और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है। पेड़ के बिना जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल है। पेड़ के कारण बाढ़ जैसी विपदा भी कम हो जाती है। पर्यावरण पूरी तरह असंतुलित रहता है। उन्होंने कहा कि लोगों में पर्यावरण को लेकर जागरूकता आई है। जरूरी है कि अभियान को जन जन तक पहुंचाया जाए। बिहार के बेगूसराय से नबी आलम की रिपोर्ट। पर्यावरण दिवस के अवसर पर आप जानते हैं कि बिहार सरकार के निर्देश के आलोक में 9 अगस्त तक पूरे बिहार राज्य में 2.5 करोड़ पौधे लगभग लगाए जाने थे। तो हम लोगों ने अपने जिला के लिए 5 लाख का लक्ष्य रखा था। तो चूँकि कोरोना संक्रमण के कारण सरकार के द्वारा ये निर्णय हुआ कि एक ही दिन में ना लगाएं, उसके पहले से ही उसमें पौधारोपण स्टार्ट करते। तो हम लोग पिछले 20 दिनों से मनरेगा स्कीम के तहत जीविका दीदियों के द्वारा, सभी अन्य विभागों के द्वारा भी लगातार पौधारोपण का कार्य किया जा रहा था। हम लोगों ने अपने जिला के लिए 5 लाख का लक्ष्य रखा था। कल तक ही 4.5 लाख पौधे लग चुके थे। आज इस अर्थ दिवस के अवसर पर सभी पंचायतों में कार्यक्रम किया जा रहा है। वहाँ पर पौधारोपण का सभी प्रखंड मुख्यालय में, सभी अनुमंडल मुख्यालय में, जिला मुख्यालय में भी पौधारोपण कार्य किया जा रहा है। सभी कार्यालय में लगाया जा रहा है। इसी क्रम में आज जिला स्तर पर यहाँ पे हम लोग महिला कॉलेज में यहाँ पे पौधारोपण का कार्य किए। यहाँ पे महापौर साहब भी थे, यहाँ के लोकल काउंसलर DDC साहब और नगर आयुक्त, जिला पंचायती राज अफसर, DDO ICDS, जनसंपर्क पदाधिकारी, सभी पदाधिकारियों द्वारा यहाँ पौधारोपण का कार्य किया गया। और ये अर्थ दिवस तो केवल एक अवसर है जिसके माध्यम से मैसेज देना चाहते हैं कि हम लोग को इस पर्यावरण की रक्षा करनी है। और इसकी रक्षा के लिए आप लोग जानते हैं जल जीवन हरियाली अभियान भी चल रहा है। हम लोग को पौधे का जितना अधिक से अधिक हो सके पौधारोपण करना चाहिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पानी और बिजली की बचत करते रहने चाहिए। इसीलिए हम लोग ये प्रयास किए थे कि जो हम लोगों का 5 लाख का लक्ष्य है, 2.5 लाख मनरेगा के तहत ही करवा रहे थे ताकि जो उसके लिए हम लोग वन पोषक भी नियुक्त करते हैं वो उसका संरक्षण कर सकें। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों का फोकस रहा है कैंपस में लगाना, स्कूल के कैंपस में और कार्यालयों के कैंपस में, ताकि जो पौधे लगें और उन संबंधी जो कैंपस के अधिकारी हैं, उसके प्रभारी हैं, स्कूल हुआ उसके प्रधानाध्यापक हुए, कोई ऑफिस हुआ तो ऑफिस के नोडल अफसर हुए, उनकी जिम्मेदारी है। उन सभी को निर्देश दिया गया उसका संरक्षण करें ताकि ये ना हो कि पौधारोपण एक दिन में लग जाए उसके बाद पौधा खराब हो जाए। जो उसका उद्देश्य हो सफल हो और हमारे पर्यावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बनी रहे। ये बहुत बड़ा पहल है, इसको निसंदेह किया जाना चाहिए। एक जागरूकता अभियान भी है और साथ ही साथ एक सकारात्मक पहल भी। इस पृथ्वी को बचाने के लिए हरित क्रांति की साक्षात जरूरत है और इसमें कि वृक्षों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। अगर वृक्ष नहीं होंगे तो पर्यावरण नहीं होगा, पर्यावरण नहीं होंगे तो हम नहीं होंगे। ऑक्सीजन से लेकर के और तमाम तरह की जितनी भी भोजन मनुष्यों के द्वारा प्राप्त किया जाता है वह कहीं न कहीं फूड साइकिल में वृक्षों के द्वारा जुड़ा हुआ है। इसलिए वृक्षों की महत्ता को हम लोगों को महत्व देना ही है। उसके बगैर हमारा जीवन इस पृथ्वी पर संभव नहीं। आप लोग भी जहां कहीं भी अपने इर्द गिर्द जहां खुली जगह मिले, मौका मिले, आप निसंदेह वृक्ष लगाएं, पेड़ लगाएं। ये आपका जो है सिर्फ पृथ्वी को देन नहीं होगा, मानवता को देन होगा।
यही मेरा संदेश है।